नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे व्हीकल चार्जिंग सिस्टम कैसे काम करती है। तो पहले बात करते हैं बैटरी के चार्जिंग टेक्निक्स की। तो नॉर्मली दो टेक्निक है, पहली है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग और दूसरी है कांस्टेंट करंट चार्जिंग। तो इन दोनों मेथड में से कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग यूज होती है व्हीकल की बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो अब बात करते हैं व्हीकल की बैटरी की। तो व्हीकल की बैटरी नॉर्मली डायरेक्ट करंट के ऊपर ऑपरेट होती है और उसे चार्ज करने के लिए जो अल्टरनेटर लगाया जाता है वो प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटिव करंट। तो पूरी चार्जिंग सिस्टम का मेन पर्पस यही है कि अल्टरनेटिव करंट को प्रॉपर अमाउंट में कन्वर्ट करके डायरेक्ट करंट बनाया जाए और वही करंट से बैटरी है उसे चार्ज किया जाए। तो अब बात करते हैं सिस्टम के कंस्ट्रक्शन की। तो शुरुआत करते हैं अल्टरनेटर से। तो अल्टरनेटर के अंदर एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटर, जिसे करंट देने पर वो एज अ मैग्नेट काम करता है, और उसके सराउंड में कंडक्टर कॉइल्स लगाई जाती है जिसे कहा जाता है स्टेटर कॉइल्स। और नॉर्मली तीन सेट ऑफ कॉइल लगाए जाते हैं, यानी तीनों के तीनों सेट 120 डिग्री के इंटरवल पे होते हैं, यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट होने पर तीनों के तीनों जो स्टेटर कॉइल है वो एक एक बार पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर सके, जिसके मुताबिक हमें थ्री फेज करंट सप्लाई आउटपुट के अंदर मिलेगा। अब अल्टरनेटर के बाद जो कंपोनेंट आता है उसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के अंदर थ्री फेज सप्लाई के लिए तीन अलग अलग पैर रखी गई होंगी फॉरवर्ड बायस डायोड्स की, और इन तीनों पैरों को कॉमनली कनेक्ट करके दो आउटपुट दिए होंगे ताकि तीनों की तीनों पैर एक ही कनेक्शन से एक्सेस हो सके। अब जब भी डायोड में थ्री फेज करंट दिया जाएगा तो जो पॉजिटिव बायस डायोड है वो अपना काम करेंगे और करंट का पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई दोनों को सेपरेट कर देंगे, जिसके कारण अल्टरनेटिव करंट डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर सर्किट की बात की जाए तो अल्टरनेटर के साथ रेक्टिफायर को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा और रेक्टिफायर से एक एंड जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर, जबकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एज ऑलवेज अर्थ कर दिया जाएगा और रेक्टिफायर का दूसरा सिरा भी अर्थ कर दिया जाएगा ताकि रेक्टिफायर बैटरी के साथ एक क्लोज सर्किट बना सके। अब बैटरी में से एक लाइन जाएगी वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर और वोल्टेज रेगुलेटर के साथ कनेक्ट होगा अल्टरनेटर का रोटर। अब अल्टरनेटर का जो रोटर है उसका नेगेटिव एंड अर्थ कर दिया जाएगा ताकि अल्टरनेटर का रोटर, वोल्टेज रेगुलेटर और बैटरी एक क्लोज सर्किट कंप्लीट कर सके। अब वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है वो कनेक्ट होगा बैटरी में से जो पावर आ रहा है उस सिरे के साथ, ताकि बैटरी का पावर जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो रेगुलेट कर सके। तो अब बात करते हैं सिस्टम के वर्किंग की। तो अल्टरनेटर का जो रोटर है वो इंजन के टॉर्क को यूज़ करके रोटेट करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसे करंट प्रोवाइड करने पर वो बन जाएगा मैग्नेट और जनरेट करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर कॉइल है वो कट करेगी और अल्टरनेटर के आउटपुट में से हमें थ्री फेज सप्लाई मिलेगा। अब वो थ्री फेज करंट जो है वो जाएगा रेक्टिफायर के अंदर। अब रेक्टिफायर के अंदर तीन डायोड की पैर्स रखी गई है जो कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर है। अब वो करंट को कन्वर्ट कर देगी डायरेक्ट करंट में और उसे डायरेक्टली भेज देगी बैटरी के अंदर, जिसके मुताबिक बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ पर जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो करेगा वोल्टेज रेगुलेटर कि अगर रेक्टिफायर में से ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं तो वोल्टेज रेगुलेटर स्टेटर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है रोटर पे, तो रोटर के अंदर वोल्टेज नहीं जाने देगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमजोर हो जाएगा और जिसके कारण अल्टरनेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी कम हो जाएगा। अब अगर करंट की बात की जाए तो अल्टरनेटर की तीनों कॉइल के अंदर रिवर्स ईएमएफ जनरेट होने के कारण जो करंट है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव्स चैनल को, ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे।